राम और लक्ष्मण। हाँ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ जिन्होंने मुझे अकेले देख के मेरे साथ ये दोनों हार गया है। यदि तुम मेरे सच्चे भाई हो तो मेरा अपमान कौन से बदला लो। मेरे इस गांव को उन दोनों के राज्य से धोया जाए तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। दो मानव कुमारों का ये साहस, धरती पर रेंगने वाले मनुष्य होकर एक राक्षस कन्या पर हाथ उठाने की धृष्टता, महाभक्त भूषण दंड डालने का गुप्त समाचार रखने वाले और वीर अकंपन, वो कौन है जिन्हें महाबली वीर घर पर डर रहे हैं? राजन हो न हो, ये वही अयोध्या के दो राजकुमार होंगे जो देश में गाला पाकर वनों में दर्दर भटकते फिर रहे हैं। दंडकारण्य के भीतरी भागों से यदा तदा समाचार आते रहे हैं कि दो क्षत्रिय कुमार तपोवन के ऋषियों की रक्षा कर रहे हैं। जो राक्षस उधर आता है वो उसे मार डालते हैं। सुना है उनके कारण राक्षसों ने तपोवन में ऋषियों का शिकार करना छोड़ दिया है। हमें पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? ये सब कुछ हमारे राक्षस राज्य की सीमा के दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी बहन का अपमान किया है। बोले हमारा भी भाई नहीं भैया, मैंने कितना कहा कि मैं राजा खर की बहन हूँ लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और आप तो परिहास किया भैया। परंतु तुम और गोलियां क्या गई थी? मैंने देखा उनके साथ जो स्त्री थी वो अति सुंदर थी। तीनों लोगों में ऐसी सुंदर स्त्री और नहीं होगी। मैंने सोचा कि बड़े भाई महाराजा रावण के लिए इससे अच्छा उपहार और क्या होगा, परंतु वो दोनों मेरे को तरह मुझे तो मार देते। हमारे सामने उपस्थित करें कहा, तुम जाकर इन सबको पता बताओ, जाओ जाओ। आज्ञा दी है कि जो सुंदर स्त्री तुम्हारे साथ आई है उसे उनकी सेवा में उपस्थित किया जाए। शरण में चले जाओ तो हो सकता है तुम्हें दया करके छोड़ दो।